हर एक चीज जो बनी है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है। लग्जरी फीलिंग के साथ कितना कम एसेट्स में आप कितना बेटर डिजाइन पा सकते हैं। ओल्ड फ्लैट को एकदम ऐसा मॉडरेट कर देते हैं। इसमें कितना खर्च आने वाला है, कितना टाइम पीरियड लगने वाला है। ये वॉल हमारी बिल्कुल एकदम खाली थी, बट हमने ड्रॉइंग रूम से ही मैच करते हुए सेम पैटर्न लिया। हम हर एक कोने को यूटिलाइज के लिए ही हमें सबसे ज्यादा फैंटेसी डिजाइन को जाना जाता है। यूवी रेस के अंदर टीवी कंसोल फ्री होती है, कोई चार्जेबल नहीं होता। नॉमिनल फ्लैट को एक अल्ट्रा लग्जरियस लुक देनी है और हमारे पास में बजट बहुत कम है। कारीगरी की जाती है वो सारे के साथ, शुरुआती अगर अच्छी होगी तो आपको एंडिंग तो अच्छी लगेगी। ओल्ड और दूसरा फ्लैट है। हाँ? और अब इसको हमने देखिए कि ये हमारी एंट्री है, ये पूरा एक सन बना हुआ जिसके एक एक रेशे दिख रहे हैं। ये सारी फिगर आउट टाइल्स है, यूरोपियन मोल्डिंग का आपने काम देखा होगा, बट देखिए क्या डिजाइनिंग्स कर रखी, सारा पहले से प्लानिंग होता है। इसी को बोलते हैं कि इंटीरियर डिजाइन। ये शाफ्ट था पूरा पीछे से, अब उन मैम की जरूरत थी कि मुझे क्रॉकरी यूनिट चाहिए। 6x6.5 का बेड आएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे को बहुत जरूरी देखनी होती है। कितना डिसेंट वॉलपेपर, एक स्लाइडर था। दीज आर बालकनी एरिया। किचन का 70-80% सामान अकेला अपना जो है वेयर कर लेता है। प्रॉपरली चिमनी पोजिशन सारा आप ये देखेंगे, पूरा बंद करते हुए देखिए ऑटोमेटिक जाएंगे सारा। हमारा टेम्पल यूनिट जो इधर एरिया में हम खाली था, प्योरली नॉर्थ ईस्ट एरिया है। मिनिमम क्या बजट रहने वाला है और मैक्सिमम कहां तक जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी। गाइस आज की वीडियो होने वाली है सबसे अलग हटके, जहां आप देख सकते हैं लग्जरी फीलिंग यहां पे आने वाली है। बात करें कवर्ड की, एलईडी सोल की बात कर ले, बाथरूम सारे के सारे आपको प्रोडक्ट A1 यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड मटेरियल फ्लोर से लेके टॉप तक आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आने वाली है। एंड घर में सबसे रिक्वायरमेंट होती है एक मंदिर की, मंदिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से निखारी गई है। एंड यहाँ पे जो भी वॉल है सारे में डिजाइनर वॉल होने वाली है। तो इस तरह की अमेजिंग डील को ग्रैब करने के लिए वीडियो के एंड तक में बने रहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज मेरी वीडियो से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ मिलती है। एंड हर एक गृहिणी की जान होती है किचन, आप देख के समझ गए होंगे कि कितनी लग्जरी आज की वीडियो होने वाली है और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इंफॉर्मेशन जाननी है तो मिलते हैं इंटीरियर डिजाइनर से और लेते हैं इस वाइड रेंज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, आप सुनाएं। बस ऑल इज वेल। आज तो कुछ अलग हटके हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो जाने वाली है। बिल्कुल डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। जैसे आपके व्यूअर्स ने क्या बोलते हैं हमारे वेयर हाउस में बहुत ज्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही हमारा मेनली काम जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है। जो रेगुलर्स बाकी हमारे और प्रोजेक्ट देखने हो तो देख सकते हैं क्लैप ट्रैप चैनल्स पे, बहुत मोर देन 150 प्रोजेक्ट हमारे है। आपके व्यूअर्स जो है ये भी देखेगी जो ये किस तरीके को एकदम ओल्ड फ्लैट को एकदम ऐसा मॉडरेट कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब कि अगर आप घर में रहते हैं तो रॉ फ्लैट आप इनको दीजिए और लग्जरी फ्लैट बना के देना अफोर्डेबल प्राइस में, इनका चैलेंज रहता है और सेटिस्फेक्शन आपकी 100 या 110% की हो जाने वाली। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए एंड कंपनी के बारे में। मैम माय नेम इज पीयूष गुप्ता, माय कंपनी नेम इज फैंटेसी डिजाइन, जो लोकेटेड करती है इंदिरापुरम एंड अपना क्या बोलते हैं नोएडा के अंदर। एंड हम दिल्ली NCR एंड पैन इंडिया। जो हमारा मैम दिल्ली NCR है वो हम मिनिमम 10 लाख प्लस के बजट्स लेते हैं, कि हम
टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट हमसे कहता है कि केवल आप अपनी मॉड्यूलर किचन डिजाइन करा दीजिए या ओनली 4 TV कंसोल बना दीजिए, तो हम नहीं डील करते। कि हमारा ऑफिस नीतिकंठ फर्स्ट में एंड नोएडा सेक्टर 9 के अंदर हमारा ऑफिस है। रेगुलर डिमांड्स आता रहा है कि एक नॉमिनल फ्लैट को एक अल्ट्रा लग्जरियस लुक देनी है और हमारे पास में बजट बहुत कम है, कि भाई आपके माध्यम से थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट जो है लोग देखे कि किस तरीके से फैंटेनी डिजाइन कितना मन लगा के काम करती है। वो आपके सामने ये 3 BHK प्रॉपर्टी है, प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ बिहार NX24 पर ये सोसाइटी है। और इसके अंदर 3 toilets and 3 bedrooms, डाइनिंग एंड ड्रॉइंग, फॉयर एरिया, एंट्री एरिया एंड देन इसका जो मेन पार्ट ऑफ मॉड्यूलर किचन, ये हमने कंप्लीट एंड टू एंड वर्क किया है। एंड एक एक चीज आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप जाएंगे ना तो जो दिल से कारीगरी की जाती है वो सारे के सारे आपको वॉल, फ्लोर, रूफ सारे में मिल जाने वाले हैं। और 10 लाख का जो पैकेज बता रहे हैं जो स्टार्टिंग होने वाली सारे इंक्लूड रहते हैं। बिल्कुल मैम, वैसे तो हमारे को फैंटेनी डिजाइन को बहुत मेंबर्स जानते हैं, बट फिर भी आपके चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, तो मैं पूरा एक बार जरूर बताना चाहूंगा ताकि व्यूअर्स बहुत आसानी से हमसे है। पहले मैम उनको जहाँ पर भी वर्क कराना है वो प्रॉपरली एक विजिट कराए। विजिट फ्री होती है, कोई चार्जेबल नहीं होता हमारा। देखिए एक तो क्या होता है, BOQ में सबसे पहले लिखा हुआ होता है कि हमारा टाइम पीरियड कितना है एक फ्लैट का। हम एक दिन भी लेट होते हैं तो उस पर हमारी पेनल्टी है। सेकेंड हमारा मैम, हम किस किस ब्रांड में काम करेंगे वो हमारा पूरा मेंशन होता है। सबसे पहले एंट्री, बिल्कुल मैम हम देख सकते हैं एक लुक आपके सामने, ये ओल्ड डोर की है। अच्छा, ये ओल्ड डोर दूसरा फ्लैट है। हाँ। और अब इसको हमने देखिए कि ये हमारी एंट्री है, किस तरीके से हमने इसको इनहेंस कर दिया। देख सकते हैं सारे हमने टोटल जो है जर्मन पाइन का यहाँ पे काम किया है। हाँ। प्रॉपरली कैमरा, प्रॉपरली लाइटिंग्स, प्रॉपरली शू रैक। देन फिर एक क्लाइंट को, क्योंकि लेडीज वगैरह अकेली होती हैं हाउसेस के अंदर, तो पूरा सबसे पहले फिर सेफ्टी डोर जो है, जिसे बोला जाता है एज अ सेफ्टी डोर, एज अ वेंटिलेशन डोर। उसके बाद अब देखिए जो इसका सबसे ज्यादा जो मेन सॉलिड डोर, एक एक प्योर विनियर डोर बोलते हैं मैम, इसे बोलते हैं सनराइज डोर। देखिए इस पे पूरा एक सन बना हुआ है जिसके एक एक रेशे दिख रहे हैं आपको। ये चीजें होती हैं इसकी, देख सकते हैं कि कितने तरीके के इस पे पॉलिश की गई है। देन अब हम इसके जो, बिल्कुल सारे डोर लॉक्स। अब हम इसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक अलग से भी है जिससे कि आप इजीली कोई आराम से आप सामान ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपरली डोर ओपन ना करना पड़े। अब इसके बाद में इसके फॉयर एरिया, फॉयर एरिया करते ही इसका एक आर्टिफैक्ट यूनिट, आप कुछ भी रख सकते हैं। और देन प्रॉपरली आप देख सकते हैं ये भी कलर्स चेंजिंग है। ये देखिए 3 types ऑफ लाइट्स एंड प्रॉपरली लोअर वर्क एंड देन स्टोरेज के लिए आप देखेंगे कि जैसे प्रॉपरली ये स्टोरेज, चाहे आप शूज वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर की बाहर भी एक लगी, बिल्कुल मैम। मगर हमारा देखिए मेन फोर्टे यही है कि हम हर एक कोने को यूटिलाइज के लिए ही हमें सबसे ज्यादा फैंटेनी डिजाइन को जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लैट्स जो होते हैं वो सारे कॉम्पैक्ट फ्लैट्स होते हैं। बिल्कुल, इस कॉम्पैक्ट फ्लैट्स के अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा हम स्पेस क्रिएट अपने क्लाइंट को। देखिए हमारा फायर एरिया भी कम नहीं हुआ और हमने पूरा ए से लेके जेड तक हर चीज का डेकोरेशन अपनी अपनी प्लेसमेंट पे किया हुआ है। एंड आपके मतलब कि जो भी मूड हो उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल हो जाता है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। अब आप आए इसका जो है, हम एक बार आपको इसको प्रॉपरली जो है एक बार इसकी टाइल्स देखिए। हमने इसके एंटर करते ही फॉयर एरिया के बाद इसका जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो इसका देखिए, सारा बुक मैच इटालियन। आप देखेंगे मैम ये बनाने में, इटालियन का मतलब क्या हुआ मैम, ये एक फिगर आउट होता है। वैसे आजकल देखिए आप जहां भी देखेंगे एक नॉर्मल रैंडम टाइल्स लगती हैं, बस लगाए चले जाते हैं, बट मैम ये सारी फिगर आउट टाइल्स है। एक एक टाइल मिलानी पड़ती है इसमें, ऐसा होता है ABCD। ओके, तो इस तरीके से पूरी टाइल्स को इसमें मिलाना पड़ता है। देन अब हम इसको पूरा आप देखेंगे, इसका सबसे पहले एंटर करते ही इसका ड्रॉइंग रूम, एक एक चीज देखेंगे। बहुत मैम, बहुत जगहों पे मतलब मैं आपको बताऊं, यूरोपियन मोल्डिंग का आपने काम देखा होगा, बट देखिए क्या डिजाइनिंग्स कर रखी है, किस फिनिशिंग में कर रखी है। उसके बाद में इसके अंदर सारा कस्टमाइज पेपर, कस्टमाइज लाइट प्रोवाइडिंग, हर एक चीज की प्लेसमेंट देखिए, ये सारा पहले से प्लानिंग होता है। इसी को बोलते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर। एग्जैक्टली। और देन कॉर्नर फॉल सीलिंग, क्योंकि क्या होता है मैम, कॉम्पैक्ट फ्लैट्स होते हैं, बिल्कुल ज्यादा हैवी ड्यूटी फॉल सीलिंग आप करेंगे तो आपका क्या होगा, फैन हाइट डाउन हो जाएंगी एंड देन आपका कंजेस्टेड हाउस माना जाएगा। बिल्कुल। तो प्रॉपरली आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए,
एक एक चीज का आप देखिए, जैसे सारा लाइट वेरिएशन है तो हमने सोफे को थोड़ा सा उससे हटके लिया, बिल्कुल पीच कलर में, बिल्कुल मैम पीच कलर के अंदर। उसी से रिलेटेड आप देखेंगे तो सारा कस्टमाइज पेपर है हमारा जो थोड़ा सा पीच टोन मार रहा है। उसके बाद में देन अगेन ये वॉल हमारी बिल्कुल एकदम खाली थी, बट हमने ड्राइंग रूम से ही मैच करते हुए सेम पैटर्न लिया है। फिर इसका बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट दिखाएंगे ड्राइंग रूम का, एक अपना यूवी रेस के अंदर टीवी कंसोल सारा देखेंगे, डिजिटल शीट्स बोलते हैं इसको, व्हाइट एंड गोल्डन में देखेंगे, सेम लूअर पैटर्न एंड देन हमारा डिजिटल शीट एंड सेम ही हमने ये चीज देखेंगे आप, पूरा व्हाइट कोरियन के अंदर इसका टॉप लगा हुआ है पूरा व्हाइट एंड गोल्डन के अंदर। देन अब हम अगेन चलेंगे इसके डाइनर एरिया। डाइनर एरिया की सबसे आप देख सकते हैं बिना पंखा का यहाँ कितनी अच्छी हवा आ रही है, बिल्कुल एरी आपने बना के रखा है। बिल्कुल मैम, हम कोई भी देखे जो नेचुरल वेज है वो हम कहीं से भी पैक्ड नहीं करते, और वो चीजों को हम पैक करते हैं जो बिल्कुल ही अनयूटिलाइज्ड चीजें होती हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज दे पाए। हम लोग थंबनेल लिखते हैं कि छुपे हुए वेयर हाउस को निकाल रखा है, बट ये तो छुपे हुए स्पेस को निकाल के दिखाते हैं। अब ये देखिए कि आप इसका हमारा डाइनर का सर सीलिंग प्रॉपरली, आप यहाँ पूछेंगे कि मैम डिजाइन की हुई है, ये भी पूरा डिजाइन किया हुआ है, और देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल शैंडलियर हमने इस पे इंस्टॉल्ड किया है। और आप जरूर इस पे क्वेश्चन करेंगे कि पीयूष जी इस पे सीलिंग फैन तो है नहीं, तो यहाँ तो गर्मी बहुत लगेगी, तो प्रॉपर लेयर हमने एक और एक दो यहाँ पे वॉल माउंटेड आपका जो है फैंस लगेंगे, डिजाइनर फैंस लगेंगे इस तरीके। और इधर प्रॉपरली सेम जो ऊपर डायमेंशन है इसी डायमेंशन के यहाँ पे प्रॉपरली हमारा डाइनर आएगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाया हुआ। देन अगेन इसका बूफे काउंटर, क्योंकि हमारा इसका जो अभी हम इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका ब्यूटीफुल किचन पार्ट हम दिखाएंगे कि किचन से कोई भी चीज हमें डाइनर पे सर्व करनी है तो हमें देखिए एक बार प्लेसमेंट चाहिए बुफे काउंटर। अब एक इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा, दिस वन पार्ट आर शाफ्ट एरिया। ये शाफ्ट था पूरा पीछे से तो, बट इसका वेंटिलेशन हमने मॉड्यूलर किचन से दिया है और यहाँ से हमने पैक करके इसको बनाया हमने बार यूनिट प्रॉपरली एल्युमिनियम प्रोफाइल में टिंटेड ग्लास के साथ में, सारा स्ट्रिप लाइट्स विद ग्लासेस, जो हमारे जो इधर के क्लाइंट है उनका मेन रिक्वायर्ड था कि पीयूष जी हमें एक थोड़ा सा एक बार यूनिट दीजिए, तो हमें अब वो निकालने की जगह नहीं बन रही थी, बट हमने प्रॉपरली देखे कितना बड़ा बार यूनिट क्रिएट किया। और देन अब उन मैम की जरूरत थी कि मुझे क्रॉकरी यूनिट चाहिए, तो बड़ी दोनों की वो थी, हमें दोनों की पूरी करनी थी, तो हमने फिर प्रॉपरली क्रॉकरी यूनिट भी पूरा क्रिएट किया सेम एल्युमिनियम प्रोफाइल के अंदर विद टिंटेड ग्लास एंड सारा ग्लास शेल्फ्स, एंड आप देख सकते हैं प्रॉपरली सारी अपना प्रोफाइल लाइट्स के साथ में, कंप्लीट ड्रॉर्स एंड कंप्लीट शटर्स, जितना मर्जी आप अपना सामान रख सकते हो, सारी चीजों की फिनिशिंग्स आपके सामने है टोटल। ये देखिए सॉफ्ट क्लोजिंग्स होंगे, उसके बाद में हमारे को एक ये बीच पैटर्न बच रहा था, इसे भी हमने एक हाईलाइट करना था, तो विद टिंटेड ग्लास के साथ में ब्रिक पैटर्न हमने यहाँ पे सारा आप देखेंगे एक एक चीज इचिंग करके प्रॉपरली एक चीज है, यही चीजें होती है मैम एक एक फिनिशिंग की। अब हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड कहीं ना कहीं ये आपके प्राइस को एनहांस भी करती है कि क्या क्या चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं और क्या क्या आप उसमें माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, उसी तरीके से ही कोटेशन प्रोवाइड करेगी, बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बाद में आएंगे, किचन एंड मंदिर दो चीजों की इम्पोर्टेंट होती है, सबसे लास्ट में दिखाएंगे, बिल्कुल रूम की तरफ आइए मैम, बिल्कुल रूम्स की तरफ। अब हम इसके सबसे पहले आपको जो है एक इसका मास्टर रूम जो यहाँ से एंटर करते ही देख सकते हैं, पूरे साइड बेड पोजीशंस इधर हमारा पूरा प्रॉपरली 6x6.5 का बेड आएगा, प्रॉपरली सामने टीवी कंसोल जैसे कि मास्टर रूम है सबसे अलग अलग मैम, बिल्कुल अलग। देखिए ये भी अपना जो है 3D यूवी रेस का अलग ही शीट है विद लूअर्स, एंड ये आजकल बहुत ज्यादा स्टोन क्लाइडिंग बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कॉम्बिनेशंस देखिए आप सारा एक बार, फिर आप देखिए वार्डरोब मैम बहुत लोग बनाते हैं एक एक चीज लूअर, देन उसका मैट फिनिश एंड बीच में इल्ले का काम, सेम रोज गोल्ड फिनिश से सारा देखिए प्रॉपरली हार्डवेयर, अभी हमारे क्लाइंट का सामान रखा हुआ है और प्रॉपरली देखिए एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, कई जगह आप देखे होंगे जो ऊपर की आपके छत रहते हैं लोग उसको पैक कर देते हैं, बिल्कुल नहीं पैक नहीं मैम, क्योंकि देखिए क्या होता है सारे जितने बड़े बड़े लगेज होते हैं वो एज इट इज अंदर चले जाते हैं, यही तो एक चीज होती है मैम, हम जो देख देख के फिर इसका हम अटैच इसका जो बहुत ही ब्यूटीफुल बाथरूम, उससे पहले मैं आपको एक बार इसका डोर दिखाना चाहूंगा। ये भी जैसे कि हमारी
टाइल्स इटालियन बुक मैच है, ऐसे ही सेम फिगर आउट में हमारे कंप्लीट डोर्स है, देख सकते हो। इसे फिगर आउट बोलते हैं, इसे वी शेप फिगर आउट बोलते हैं, ये पूरा फिगर आउट में, और एक एक चीज देखेंगे हम मैच करेंगे विद पैलरिंग। बिल्कुल। अब देन इसके बाद हम इसमें एंटर करेंगे व्हाइट सतवारियो अल्ट्रा लग्जरियस विद जैक्वार फिटिंग्स के साथ में। बाथरूम देख सकते हो मैम कितना छोटा स्पेस है। तो सर बात कर ले बाथरूम के साइज की, तो क्या बाथरूम की साइज है? मैम 8x5 का बाथरूम का साइज है बिल, और आप देख सकते हो किस ब्राइटनेस से और क्या इसका लेवल आउट दिख रहा है आपके सामने है। पूरी प्रेजेंटेशन सारा विद जैक्वार फिटिंग्स के साथ में, एक एक चीज की स्लोबिंग देख सकते हो आपको यहीं से, सारा कुछ हमारी तरफ से मिलता है मैम। वन टाइम सॉल्यूशन होता है हमारे पास में, कंप्लीट फॉल सीलिंग, कंप्लीट लाइटिंग, शावर, बस केवल अपना आराम से फ्री हो जाइए। और उसके बाद आप ये देखिए मैम, इसका ये शाफ्ट एरिया था जिसे हमने कंप्लीट डिसमेंटल करके प्रॉपरली एक स्टोरेज यूनिट दिया है, क्योंकि देखिए यही एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे को बहुत जरूरी देखनी होती है। ये देखिए प्रॉपरली कितना हैवी, कितना डेप्थ, जितने मर्जी बैग्स रखिए, जितना मर्जी कुछ रखिए, प्रॉपरली एग्जॉस्ट फैन, प्रॉपरली देखिए सारा पूरा वेंटिलेशन के साथ में इनका जो है कंप्लीट पाइपलाइंस है मैम, ये आउटसाइडर पाइपलाइंस है जो इस पाइपलाइन से इस बाथरूम को जो है कंप्लीट आपका जो है पानी प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली। अब मैं इसके जो है आपको एक सेकेंड बाथरूम जो इसका गेस्ट है बेडरूम देखे प्रॉपरली, ये देखिए कंप्लीट प्रॉपरली साइड बेड्स पॉइंट्स प्रॉपरली, हमारा यहाँ पे 5x6 का बेड आएगा और यहाँ पे हमारा एक स्टडी आएगा क्योंकि ये एक ऐसा बस वो गेस्ट रूम रखना चाहते हैं और अपने बच्चे की स्टडी के लिए। देन इसके देखिए हम जो है कॉमन बाथरूम जिसे हम बहुत ही ब्यूटीफुल बाथरूम क्रिएट किया ब्लैक के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोर में कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है एकदम फाइस्टर प्रॉपर्टी। बाकी आप बताएं कि आपके व्यूअर्स को कैसा लगेगा, इस पे एक बार कमेंट्स जरूर करें। बहुत मेहनत से एक एक चीज देखेंगे, एक एक इसके शार्प एजेस देखेंगे, ये होता है एक क्वालिटी वर्क जिसे कहते हैं विद जैक्वार फिटिंग्स। एंड जैसे कि ब्लैक बेस है तो आप देखेंगे नीचे प्रॉपरली लाइट बेस हमने क्रिएट किया है, एंड बाथरूम में आप देखेंगे कि मैट आपकी टाइल्स सारा एंटी स्केट टाइल्स लगेगा मैम, टोटल एंटी स्केट जितने भी बाथरूम्स होते हैं कंप्लीट एंटी स्केट टाइल्स रहता है, सारे टच सेंसर 3-3 वेरिएशंस का लाइट मिरर्स रहते हैं इसके अंदर में। अब देन मैं इसके बाद अब इसको इसका थर्ड बेडरूम दिखाऊंगा आपको, बट मैं तो फोकस कर रही हूं जो छुपे हुए में। बिल्कुल मैम, ये देखिए ये शाफ्ट एरिया है जहाँ पे हमने प्रॉपरली इसको डिसमेंटल किया। पहले यहाँ पे एक वुडन वो बना हुआ था, पहले टाइप जैसे पुराने टाइप का एक गेट होता था, इसे पूरा डिसमेंटल करके प्रॉपरली यूपीवीसी इंस्टॉल्ड करी है। और ये पूरा इनका देखिए मैम, जैसे झाड़ू पोछा कुछ भी इस चीज को वो पूरा यूटिलाइज किया जा सकता है, और शावर करते हुए अपने को इसको ब्लॉक किया जा सकता है। बिल्कुल। देन अब मैं इसके थर्ड बेडरूम में जाऊंगा जो जो इनके किड्स के लिए होने किड्स के लिए है प्रॉपरली, वही अदर देखिए कितना डिसेंट वॉलपेपर एंड अदर साइड पॉइंट्स। देन हमारा यहाँ पे प्रॉपरली बेड पोजीशन, इसमें बेड उन्हें टीवी नहीं चाहिए था फिर भी हमने प्रोविजन रखा है, यस कंप्लीट वार्डरोब जो सेम देखिए हमने कोई वेंटिलेशन, मैच डोर, दो टफन ग्लासेस एंड कंप्लीट अपना देख सकते हैं पूरा प्रॉपर पेलमेट, इस पे ही हमारा एसी आएगा और सारे इनबिल्ट हमारे कर्टन्स चलेंगे। हाँ, एंड ये आप थोड़ा सा पास से दिखा दें कि पेलमेट किसको कहा जा रहा है, कि इसके अंदर ही आपको कॉटेड एक लग्जरी फील के साथ लग जाएगा। बिल्कुल मैम, सारे चूड़ीदार कर्टन्स लगेंगे, फिर अगेन सेम कॉर्नर फॉल सीलिंग बिल्कुल देख सकते हैं, और इसके बाद अटैच जिसके अंदर में बाथरूम देखेंगे, फिर देखिए सेम अपना व्हाइट सतवारियों, क्योंकि क्या थे मैम ये बहुत छोटे छोटे साइजेस थे, उसी चीज को कन्वर्ट करते हुए हमने प्रॉपरली वो इस ऐसे चीजें रखी हैं जो हमारे को बड़ा दिखाए, छोटा सा फ्लैट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करे। एंड सबसे बड़ी बात होती है सब में कलर कॉम्बिनेशन होना, कलर कॉम्बिनेशन कहीं भी आंखों को नहीं छुप रही है, माइंड को पीस देने वाली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है मॉड्यूलर किचन। एक बार बताएं अपने व्यूअर्स को, एक बार देखें कि कितना प्यारा, क्योंकि लेडीजों का सबसे ज्यादा इसका मेन चाहो रहता है। इसके बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताता हूं सर। एक बार ये पिलर देखेंगे, ये यहाँ पर सर एक स्लाइडर था, दीज आर बालकनी एरिया, ओके ये इसका पार्ट नहीं था, हमने पहले ये स्लाइडर पूरा रिमूव किया यहाँ से एंड सेम टाइलिंग्स करी
एंड इसका यूटिलिटी एरिया वो हम इसका बाहर ले गए और हमने कंप्लीट ये पूरा पैक्ड किया है। पैक करने के बाद में आप देखेंगे इसका यूटिलिटी एरिया हमने बिल्कुल सेपरेट और देख सकते हैं प्रॉपरली किस तरीके से ये सारा अंदर में भी इंटीरियर कर दिया सारा। मैम ये इस वजह है, इसे बोलते हैं वाटर प्रूफ शीट। ये एक्स्ट्रा होती है, हर क्लाइंट अपने उससे लगाता है बट हम प्रॉपरली उसे गाइड जरूर करते हैं। इससे क्या होता है मैम, कभी ये लीकेज हो जाए पाइपलाइन या कुछ हो, कहीं से हमारा पानी जो है गिर रहा है तो इसकी बॉडी को डैमेज नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। देन अगेन प्रॉपरली हमारा पेंट्री यूनिट, ये देखिए किचन का 70-80% सामान अकेला अपना जो है वेयर कर लेता है और मूवेबल होती है, जैसे मर्जी एट पर सामान के हिसाब से आप एडजस्टेबल कर सकते हो प्रॉपरली, आप इसे डिटैच कर सकते हो, अलग अलग जगह फिक्स कर सकते हो। बिल्कुल मैम। उसके बाद माइक्रोवेव एंड ओटीजी यूनिट, प्रॉपरली इसके पीछे शाफ्ट है मैम। ये देखेंगे तो हमने ऐसा कवर अप किया है कि ये कभी भी रिमूव हो जाएगा, कोई वर्किंग कभी करनी है। डेफिनेटली आप ये देखेंगे प्रॉपरली हर एक चीज का जितना यूटिलाइज करा जा सकता है, मैक्स टू मैक्स स्पेस चाहिए था हमारे कस्टमर को यहाँ पे पर्टिकुलर पूरा फ्रिज ऑपरेटर बेकर बास्केट। यस मैम, बेकर बास्केट आलू प्याज के लिए बिल्कुल प्रॉपरली हर एक चीज बिल्कुल मैम। देन इसके बाद ये देखिए कंप्लीट क्वार्ट्स जो ओनली फॉर किचन के लिए सबसे ज्यादा जो है मैंडेटरी होता है, जिसपे निशांस नहीं आते और टूटता नहीं है प्रॉपरली। चिमनी पोजीशन देखिए पूरा इनबिल्ड है, आपको नहीं पता लगेगा कहाँ से इसकी पाइपलाइंस जा रही है हर एक चीज की। यही एक छोटी छोटी प्लानिंग्स होती है जो इंटीरियर, और देखिए पूरा टाइल बेस किस तरीके के डिजाइनर टाइल्स क्वार्ट्स सारा आप ये देखेंगे पूरा टोटल। हाँ मैम, सारा स्पून्स वगैरह रखने के से कटलरी यूनिट बोलते हैं, सारा टैंडम बॉक्स के साथ में आप फिनिशिंग आपके सामने है, ओवरऑल आप देख सकते हो। और देखिए एक चीज दिखाता हूँ बंद करते हुए, देखिए ऑटोमेटिक जाएंगे सारा सॉफ्ट क्लोज। एंड ये फिर इसमें अगेन एल्युमिनियम टिंटेड ग्लास के साथ में थोड़ा बहुत जो ऐसा कुछ अपना जो सामान रखे जो बहुत ही ज्यादा दिखने में जो है अच्छा हो, तो उसके लिए हमारी क्लाइंट की एक ये रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने पूरी प्रॉपर फुलफिल। एंड अगेन अप एंड डाउन प्रॉपरली स्ट्रिप लाइट्स का कॉम्बिनेशन कि जो मैम ऊपर लोग छोड़ देते हैं कि भाई होता है, मगर मैम कॉम्पैक्ट फ्लैट में इस चीजों की बहुत जरूरत होती है क्योंकि छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं वो आप रख सकते हो जो एवरी 3 मंथ या 5 मंथ में काम आते हैं। एंड हर एक आप देखेंगे कोई भी आप ड्रॉल ओपन करोगे तो सारे में सॉफ्ट क्लोज रहने वाली है टोटल। मैम हमारे में देखिए हमारी एक चैनल भी देखेंगे जो सॉफ्ट क्लोज रहती है। आप इसका जो है एंड ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आप इसका जो है हमारा टेम्पल यूनिट जो इधर एरिया मैम खाली था, प्योरली नॉर्थ ईस्ट एरिया है तो ये भी चीजें हम यस मैम हर एक चीज जो बनी है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है प्रॉपरली। कहाँ से एंट्री है, कहाँ पे मंदिर की पोजीशन है, इस जैसे दिस हर नॉर्थ ईस्ट एरिया प्रॉपरली देख सकते हैं। कोरियन टेम्पल, दिस इज अ कोरियन टेम्पल एंड इटालियन, देखिए सारा इसके अंदर एक एक कॉम्बिनेशन देखे आप कि ब्राउन लूअर्स के साथ ब्राउन हमने इसके अंदर इटालियन पत्थर यूज किया है, देन व्हाइट कोरियन देखेंगे किस तरीके की पूरी डिजाइनर आर्च इसमें यूज की है। एक एक पार्ट को देखिए, कभी कोई बड़ा कीर्तन कराना है कुछ भी कराना है तो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप आराम से करके और पूरे आप एरिया में बहुत आराम से बैठ सकते हैं। एंड क्लोज कराना चाहते हैं तो यहाँ एक बिल्कुल मैम यहाँ पे आराम से अपना एक कर्टन शेयरिंग कर्टन डाल सकते हैं। मिनिमम क्या बजट रहने वाला है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? मैम देखिए मिनिमम बजट हमारा 10 लाख का है, हम 10 लाख से नीचे के काम नहीं लेते। बाकी हम एक बार विजिट करते हैं, विजिट करके हम अपने कस्टमर को गाइड करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में आपकी ये रिक्वायरमेंट है और ये हो सकता है, इससे रिलेटेड आपका ये पेमेंट प्लान आएगा। ओके, और सपोज दैट एक छोटी सी हमारे व्यूअर्स को क्लियर करने के लिए, सपोज दैट 10 लाख की आपकी कहीं पैकेज बन चुकी है, बिल्कुल मैम, उसको करने में टाइम मैम टाइम पीरियड देखिए हमारा एग्जैक्टली हम पहले ही कोटेशन में मेंशन, जैसे 2 BHK है 60-70 days, 3 BHK है 80-90 days, 4 BHK है तो 110-120 days। आज की डेट में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बहुत से, अभी आप मानेंगे नहीं मेरे 3 या 4 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो हमने बीच में से हायर किए उनके प्रोजेक्ट्स को छोड़ छोड़ के भाग गए। अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लाइंट से हम इंटरव्यू कराएंगे इस रिगार्डिंग 101%, वो 6 महीने परेशान हुए हैं और 6 महीने में उनका 10-12% काम हुआ है। करेक्ट,
वैसे भी आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 से 4 महीने में आपको कंप्लीट इंटीरियर, और वो भी इस टाइप का काम आप देख सकते हो मैम आपके सामने है। आप किस तरीके की फिनिशिंग अपने व्यूअर्स को आप बताना चाहते हो, क्योंकि वो आपके व्यूअर्स है, हमारा तो आप जरूर बता रहे हैं कि हम हर बार इस तरीके का ही काम प्रोवाइड करते हैं। इसे देख के तो अपने घर का भी इंटीरियर चेंज कराने का मूड बन चुका है, जो कि आपसे नेक्स्ट जरूर कराएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, मोस्ट वेलकम। तो गाइस ये थी हमारी जर्नी फैंटिनी डिजाइन के साथ, जहां आपके ड्रीम हाउस को एक पूरा स्वरूप देने की कोशिश की गई है कि किसमें कितना खर्च आने वाला है, कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, लग्जरी फीलिंग के साथ कितना कम एसेट्स में आप कितना बेटर डिजाइन पा सकते हैं। और छुपे छुपे वेयर हाउस को तो ढूंढ के निकालती थी, इस सर तो छुपे छुपे हुए प्लेस को निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल व्यूअर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आएगा तो क्या फायदा होने वाला है? डेफिनेटली मैम फायदा है, जो भी आपके माध्यम से प्रॉपरली हमें बताएगा कि हम इस चैनल के माध्यम से आपसे इंटीरियर डिजाइनर के लिए उन्होंने हमारे पास कॉल करी है, उन्हें प्रॉपरली एक तो फ्री विजिटिंग मिलेगी हमारे पास से, और देन पूरा प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगा। और मैम एक बार प्रोजेक्ट पे बाकी डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या चॉइस है, क्या रिक्वायरमेंट है। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो इंटीरियर डिजाइनिंग से है, तो कोई भी चीज अगर छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि क्या चीजें और नहीं एड ऑन कर सके और आपकी क्वेरी को फुलफिल कर सके। तो वीडियो को यही रैप अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।